Hello, dear students. Welcome to the solution series for CSIRNet November 2020. So, I will be solving this problem number 35 from your question paper. So, it's from the part B of your paper and it is of complex analysis. So, let us have a look. Let gamma be a positively oriented circle in the complex plane given by z belongs to C such that z minus 1 is equal to 1 by 2. It means

तो कौशी इंटीग्रल फॉर्मूला आपको सिंपली क्या बताता है कि अगर आपके पास कोई एनालिटिक फंक्शन है किसी डोमेन डी पर एंड गामा मान लो आप पॉजिटिवली ओरिएंटेड क्लोज कंटूर है डी में देन इफ जेड नॉट बिलोंग्स टू इंटीरियर ऑफ गामा देन एफ ऑफ जेड नॉट इज इक्वल टू वन ओवर टू पाई आई एफ जेड बाई जेड माइनस जेड नॉट डी जेड इट मीन्स वैल्यूज ऑफ द फंक्शन इन साइड दैट क्लोज कंटूर गामा यू कैन डायरेक्टली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल ना यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है ठीक है तो मैं स्टार्ट करता हूँ प्रॉब्लम को तो आपके पास एक वन बाई टू रेडियस का सर्कल है सेंटर्ड एट वन तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले आपके पास आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन ड्रा करूंगा तो सपोज दिस इज योर कॉम्प्लेक्स प्लेन ना इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में आपको क्या करना है आ, आपको वन पर एक सर्कल बनाना है जो कि वन बाई टू रेडियस का है सो so, इस तरीके का वो कुछ सर्कल होगा ठीक है थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ऑल राइट right. आप अभी वर्क कर रहे हो वन कॉमा जीरो पर वन प्लस आयोडा जीरो लिख लेते हैं ना वन प्लस आयोडा जीरो आपका ये पॉइंट है और सर्कल का जो रेडियस uh, है वो वन बाई टू है इट मीन्स ये पॉइंट वन बाई टू है और इधर भी ये वन प्लस वन बाई टू है ठीक है नाउ आपके पास आपका जो फंक्शन है उसे मैं लिख लेता हूं तो आपके पास जो फंक्शन है एफ जेड वो एफ जेड नहीं लिखूंगा इस फंक्शन को मैं लिखूंगा जी जेड सो जी जेड अगर मैं फंक्शन देखूं तो आपके पास जेड ई टू द पार आयोटा सॉरी वन बाई जेड है जेड ई टू द पार वन बाई जेड डिवाइडेड विद जेड स्क्वायर माइनस वन जेड स्क्वायर माइनस वन को मैं ऐसा ना लिखकर ऐसा लिख लेता हूं जेड माइनस वन इंटू जेड प्लस वन नाव आप देखोगे कि आपके पास जो फंक्शन है न्यूमरेटर उस पर एनालिटिक है न्यूमरेटर इज एनालिटिक बिकॉज जेड इज अ पोलिनोमियल $e$ to the power by $z$ is some exponent, so both are analytic, but आपके पास जीरो नहीं होना चाहिए था डोमेन में अगर जीरो हो गया तो फिर ये एनालिटिक नहीं आएगा बट जीरो पर जिस डोमेन के बारे में बात हो रही है अगर वो डोमेन आपको दी ही ना जाए तो आपको अपने कंटूर के इंटीरियर को ही डोमेन मानना होता है कंटूर के इंटीरियर को ही हम डोमेन मानते हैं इफ डोमेन इज नॉट गिवन इट मीनस की इन द इंटीरियर ऑफ द कंटूर जीरो इज नॉट प्रेजेंट No, because zero is not present, that means कि ये फंक्शन हॉलोमार्फिक आपका है एनालिटिक आपका यह फंक्शन है सो so, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये एनालिटिक है यह एनालिटिक है क्या लिखा हुआ आपने डिवीजन में एक पॉलिम मिले सो बोथ आर एनालिटिक सो देयर डिविजन विल बी एनालिटिक एक्सेप्ट ऑन दोज पॉइंट वेयर डिनोमिनेटर इज जीरो ना ये पोर्शन जो है यह पोर्शन आपका जीरो हो रहा है माइनस वन पर ठीक है तो मैं किसी और कलर से रिप्रेजेंट करता हूं तो ये माइनस वन पर जीरो हो रहा है ठीक है और एक और पॉइंट है 1। दूसरा पॉइंट यहां पर है तो दैट कि क्योंकि इंटीरियर में नहीं है आपकी डोमेन में ही -1 नहीं है दैट ये जीरो हो ही नहीं रहा आपकी डोमेन में जेड प्लस वन सो इट मीनस दिस पोर्शन ये जो इतना पोर्शन है ये पोर्शन आपका एनालिटिक है इस डोमेन पर जो आपको दी गई है सो so मैं इसको क्या लिखूंगा अब मैं इस फंक्शन को ऐसा लिखूंगा कैसे देखो तो मैंने लिखा z टू द पावर वन बाई जेड डॉट सॉरी डिवाइडेड z, dot, uh, sorry, z one, और अपॉन में लिख दिया मैंने z माइनस वन ना इसको मैंने फंक्शन एफ जेड माना एफ जेड ओवर जेड माइनस वन सो अकॉर्डिंग टू दिस एफ जेड आपके पास जो फंक्शन है इस समय वो एनालिटिक है ऑन द इंटीरियर ऑफ दिस कंटूर और आपके सामने z नॉट की वैल्यू है माइन वन जेड नॉट की वैल्यू है वन सो so, इस इंटीग्रेशन का आंसर कितना आएगा इस इंटीग्रेशन का ओवर दिस गामा एफ जेड नॉट इंटू टू पाई आई तो डायरेक्टली यूजिंग यूजिंग कौशी इंटीग्रल फॉर्मूला तो इंटीग्रल फॉर्मूले के बेसिस पर मैं ये लिख सकता हूं कि आपके पास जो आई है इंटीग्रेशन उसका आंसर आएगा टू पाई आई इंटू एफ ऑफ वन एफ ऑफ वन कितना है देखो आपके पास है ये सो एफ ओ वन आपको प्लेस करना है सो वन डॉट ई टू द पावर वन बाई वन ओवर जेड प्लस वन सो वन प्लस वन इट मीन्स कितना आ गया ये टू पाई आई ई ओवर टू सो पाई आई ई सो दिस इज योर आंसर इट मीन्स कि ये देखो ये क्वेश्चन बहुत छोटा है है ना लेस देन वन मिनट आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हो एग्जाम में इफ यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला स्टेटमेंट ऑफ कॉश इंटीग्रल फॉर्मूला ऑल राइट सो थैंक यू